क्या तैयार है? काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने चर्चा विमर्श किया और जो भी पूजा समिति के लोग हैं अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बहुत सारी बातें बताई गई, बिजली से संबंधित, रोड से संबंधित, साफ़ सफाई को लेकर या मेडिकल प्लान को लेकर। तो इस पर हम लोगों ने जो भी हमारे कंसर्न ऑफिसर्स हैं लाइन डिपार्टमेंट्स उन सभी को निर्देशित किया। पर्याप्त नंबर में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की जाएगी और आने वाले दुर्गा पूजा में हम ये आशा करते हैं कि हम लोग इसे बिना किसी विघ्न और बिना किसी विवाद के हम लोग सम्पन्न कराएंगे। आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोगों ने यहाँ पे दुर्गा पूजा से संबंधित शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। उसके पूर्व हम लोगों ने दुर्गा पूजा से संबंधित जो भी अभ्यास है उसकी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। इस दुर्गा पूजा के दौरान करीब 3000 पुलिस बल हम लोग प्रतिनियुक्त करेंगे। उसके साथ ही करीब 750 पदाधिकारी पूरे दुर्गा पूजा के दौरान पूरे हजारीबाग जिला में प्रतिनियुक्त रहेंगे। साथ ही हम लोगों ने कल जो एंटी रायट कंट्रोल ड्रिल है उसका अभ्यास कर लिया है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार है। मैं आप सभी के माध्यम से आम जनता को भी अपील करना चाहूँगा कि ये उमंग का और उल्लास का त्यौहार है, इसमें किसी भी तरह की खलल डालने की कोई भी अगर कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन साथ ही लोगों से भी मैं अपील करूँगा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लें। यदि आपको किसी तरह का कोई आपत्ति है या कोई अफवाह या कोई सूचना आप तक पहुँचती है, आप प्रशासन के पास जाकर के उस सूचना का पहले सत्यापन कराएं, उसके बाद प्रशासन उसमें कार्रवाई करेगी। कृपया करके आप अपने हाथ में कानून को नहीं ले और जो कानून का काम है, जो प्रशासन का काम है, जो पुलिस का काम है, वो कानून और पुलिस और प्रशासन को करने दें। अश्लील अगर प्रदर्शन होता है तो उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, कानून की तरह जो भी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। पिछले 2 वर्षों से हम लोग को कुछ जगहों पर ये सूचना मिली है कि बाहर से ऑर्केस्ट्रा को बुलाया जाता है और उसमें अश्लीलता वाले गाने या अश्लीलता वाले डांस कराए जाते हैं, जिससे कि और मामला बिगड़ने की संभावना बन जाती है और उसमें सभी वर्ग के लोग और सभी एज के लोग आ जाते हैं। कृपया जो आयोजक मंडली है आप सभी को ये निर्देशित किया जाता है कि आप किसी भी प्रकार से अगर अश्लीलता इस पवित्र त्यौहार के दौरान अगर आप करते हैं या करवाते हैं उसके लिए जो एक्शन होगा उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हो जाएंगे।